उत्तरकाशी की सुरंग में बिताए गए 17 दिन सभी 41 मजदूर ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। अब खुली हवा में सांस ले रहे मजदूर सुरंग में बिताए वक्त को सोचकर भी सिहर उठते हैं। सुरंग में मजदूरों के बनाए अब वो वीडियो भी सामने आ गए हैं, जो उन लोगों ने उस वक्त बनाए थे जब उन्हें इस बात पर संदेह था कि पता नहीं कि वो सुरंग से जिंदा बच पाएंगे भी या नहीं। रेस्क्यू को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ऑस्ट्रेलिया से आए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नल भी अपने देश वापस लौट गए हैं। 17 दिन तक मजदूरों के साथ सुरंग में फंसे रहे जूनियर इंजीनियर अखिलेश सिंह जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को जब हादसा हुआ तो वो और मजदूर क्या कर रहे थे। रेस्क्यू के बाद अखिलेश सिंह से पीएम मोदी ने भी बात की थी। 12 नवंबर की बात करें, उस दिन क्या हो रहा था, अचानक से क्या हुआ ऐसा, उस वक्त जब ये टनल धसी आप कहाँ थे, कितने साथी आपके आसपास थे, क्या हो रहा था? जी सर, मेरा जब काम कंप्लीट हो जाता था सर तो मैं बाहर ही आ जाता हूँ लगभग, और नाइट ड्यूटी होने से मेरा सर्वे का काम है सर, उसमें मैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ, तो मैं अपना काम कंप्लीट करके बाकी हमारे सीनियर सर थे तो उस दिन वो छुट्टी पर थे, तो पूरा सर बाहर से लेकर अंदर तक काम देखना था, तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करके सर मैं 4 बजे तक खाली हो गया। बाकी सर हम अपना सब पूरा कंप्लीट करते करते आते आते जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे 200-300 मीटर पीछे थे, तभी हम लोग के सर जस्ट 200-300 मीटर आगे हम लोग के सामने सर ये सर घटना हुआ सर। अचानक से सुरंग बैठ गई, कोई आवाज, कोई अचानक से बैठ गई? अचानक से सर थोड़ा थोड़ा करके बैठता गया, बाकी हम लोग फेस में रहते थे सर, जहाँ पर ये मतलब कैविटी एरिया हुआ तो उससे हम लोग सर 1.5 किलोमीटर आगे थे सर, तो हलचल वगैरह होता तो छुट्टी का दिन था सर, कुछ लोग काम जिसका काम नहीं था वो चले गए थे, मतलब बहुत से सर वर्कर चले गए थे, और बाकी स्टाफ में जितने भी सर हम लोग थे 2-3 बंदे हम लोग फंसे थे, बाकी हमारे ऑपरेटर कुछ फंसे थे, बाकी कॉन्ट्रैक्टर साइड के जितने लेबर भी तो वो लोग भी फंसे थे। हादसे के बाद मजदूर बेचैन होने लगे थे। उसके बाद इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़े अखिलेश सिंह, सबा अहमद और गब्बर नेगी ने उन्हें हौसला दिया कि परेशान ना हो, हम सभी को बचाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उस समय तो एकदम से चीख पुकार मच गई होगी जब सुरंग अचानक से, मजदूर परेशान हो गए होंगे। नहीं सर, आप भी परेशान हो गए? जी सर, जैसे कि सूचना मिला फेस में जितने बंदे काम कर रहे थे सर, और हम लोग तो सर ऑलमोस्ट वहां पर आ ही गए थे सर, जहाँ पर ये घटना हुआ था हम लोग वहीं पे थे, बाकी फिर से सारे बंदे दौड़ करके आए वहां पर, सब जब देखें कि ये घटना हो गया तो सर कोई परेशान नहीं हुआ, बस इतना सर ये लोग कब ये हद कि हम लोग को सर कंपनी में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब जैसे कि अगर ऐसा कभी घटना हो तो आप इसके लिए रेडी रहो, पाइपलाइन के जरिए आप संपर्क साधो, हम लोग से बातचीत करो, हम लोग हर सुविधा कॉन्टेक्ट करेंगे। तो हमारे फोरमैन थे वो सबा अहमद और नेगी सर और हम थे, तो हम लोगों ने सर पाइपलाइन के जरिए पहले बाहर में पानी भेजा सर, तो उन लोग को लगा कि ये भी मजदूर हम लोग के जो हैं, हमारे जो वर्कर हैं कंपनी को अंडर में फंसे हुए हैं, और जितने वर्कर हैं वो भी फंसे हुए हैं, लेबर भी फंसे हुए हैं, स्टाफ भी फंसे हुए हैं, तो उन लोगों ने सर वहां से ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया सर, 16-17 घंटे के अंदर वो लोग ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया, और अंदर से सर खाने पीने का भी सामग्री भी पाइपलाइन के जरिए आने लगा सर, जैसे भीगा हुआ चना है, भूजा हुआ चना, लाई वगैरह, दाना और सर ड्राई फ्रूट वगैरह आने लगे, हम लोग इकट्ठा करके सबको बांट करके सर हम लोग मिलजुल के खाते रहे सर। सुरंग में फंसे मजदूरों ने अपने मोबाइल से सुरंग के अंदर के वीडियो भी बनाए थे जो अब सामने आ रहे हैं। सुरंग के अंदर से आए कुछ और वीडियो में पता चलता है कि कैसे अंदर फंसे मजदूरों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई कि हम खतरे के खिलाड़ी हैं और मौत को मात देकर ही बाहर निकलेंगे। मौत से जूझते वक्त भी सरकार और रेस्क्यू टीम ने मजदूरों का मनोबल नहीं गिरने दिया। देखिए कैसे इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़े लोग मजदूरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहे। मजदूरों के जिंदा बचे रहने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनकी बातचीत अक्सर घर वालों से होती रहती थी। वहीं लूडो, ताश, मोबाइल गेम के जरिए भी मजदूर खुद को व्यस्त रखते थे जिससे उनका ध्यान बटा रहे। सभी मजदूर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बार बार आभार जता रहे हैं जो फोन के जरिए लगातार मजदूरों के सीधे संपर्क में बने हुए थे। अब उत्तरकाशी से लौटे मजदूरों के परिवार में दिवाली जैसा माहौल है क्योंकि सभी 41 लोगों को नई जिंदगी जो मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टक।